हरे कृष्ण हरे कृष्ण इनके बाद में आप सुना देंगे कल का कथा ठीक आपने बोलो आपने ओम ध्यान सुमिरा मुस्के ध्यान सुवागत चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियतमे शिष्यमन्त्रीकान्तनारायण गोस्वामिनः सर्वप्रथम अपने हृदय में प्रतिदा प्रदर्शित ओम विष्णुपाद विष्णुपुत्र भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि धन ज्ञापन करता हूँ प्रशा शिक्षक गुरुदेव हरे कृष्णा सब बोले कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम हमारे शिक्षक गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन प्रणाम। और आज मुझसे अपराध भी हुआ, मैंने ध्यान नहीं करा, महाराज जी इधर थे, उनसे आगे जाकर मैंने प्रणाम के लिए शिव गुरुदेव की कृपा ब्रह्मवास के ऊपर पूर्ण तरीके से है। और भक्ति के नौ अंग नवदा भक्ति जिसे कहा गया, उनमें से यदि कोई एक भी ढंग से कर ले तो निश्चित तौर से इस भवसागर से पार हो सकता है। अगर ढंग से श्रवण हो जाए तो भी कल्याण। श्रवण जो ढंग से करेगा अर्थात जो ढंग से सुनेगा वही कीर्तन कर सकता है। यदि सुनेगा ही नहीं तो कीर्तन क्या करेगा। इसीलिए हमें श्रद्धा पूर्वक साधुओं से सर्वप्रथम श्रवण करना चाहिए। अभी महाराज श्री ने हरिनाम दिया, वो आप लोगों ने सुना। श्रद्धा के साथ इसको सुन करके प्रेम पूर्वक यदि करेंगे तो निश्चित तौर से ये फल प्रकट करेगा, क्योंकि ये हरिनाम शब्द ब्रह्म है। ब्रह्म बोलते भगवान को, और इसमें भगवान ने अपनी समस्त शक्तियां भर के रखी हुई है। इसे कभी भी ऐसा नहीं जानना कि राधा कृष्ण से पृथक है, कि राधा कृष्ण तो श्री विग्रह के रूप में प्रकट है और श्री राम मात्र शब्द है। ये शब्द ब्रह्म ही साक्षात भगवान राधा कृष्ण के रूप में प्रकट हो जाएगा। इसीलिए इस शब्द ब्रह्म में पूर्ण निष्ठा करके हमें हरिनाम करना चाहिए। ऐसे ही एक संत हुए रैदास महाराज, इनको रविदास भी बोलते हैं। और संत के लिए कोई भी चार वर्ण और चार आश्रम की आवश्यकता नहीं है, तो भी छोटी सी छोटी जाति में जाकर के आविर्भाव करते हैं और लोगों में चेतना बढ़ते हैं भक्ति की। तो रैदास जी जो थे वो सिखलाते हैं अपने जीवन चरित्र से कि किस प्रकार से हमें कर्मयोग में रहना चाहिए, विशेष करके गृहस्थों को। गृहस्थी का पालन कर रहे हैं और काम क्या था, काम था मोची का, जूता काटते हैं, जूता सिलते हैं, बनाते हैं और मुंह में हरिनाम सीताराम 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 चलता रहता। अर्थात हरिनाम में इतनी निष्ठा कि हाथ अपना काम कर रहे हैं और जीवा अपना काम कर रही है और हृदय में ठाकुर जी का स्मरण हो रहा है। पूर्ण तरीके से सीताराम जी की लीला हृदय में अंकित हो रही है, दृश्यमान हो रही है। ये रैदास जी इस प्रकार से कर्म करते। कर्म कब हो जाता, कितना काम हो जाता, इसका उन्हें कोई ध्यान नहीं। हाँ इतना था जीविका आराम से चल जाती, लेकिन कोई अभिलाषा नहीं थी। और ऐसा नहीं कि
जो भक्त होते हैं वो बहुत ज्यादा निर्मल और अहंकार रहित होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि ब्राह्मण देवता नजर आते हैं तो उनको पूर्ण तरीके से आदर सत्कार करके प्रणाम भी करते हैं। ऐसे ही ब्राह्मण जो यहां से चला हरिद्वार को स्नान करने के लिए, उसको कहा कि रैदास जी हम गंगा स्नान जा रहे हैं, हमारी जूती जो है थोड़ा टूट गई, इसको ठीक कर दो। तो रैदास जी ने बड़े प्रेम से हरिद्वार का नाम सुना, गंगा मैया को दूर से प्रणाम किया और कहा कि भैया तुम जा तो रहे हो, एक मेरी उनको प्रार्थना अर्पण कर देना और एक छोटी सी ये अशर्फी है इसको मैया को दे देना। अब वो बड़े प्रसन्न होकर चले। वो ब्राह्मण होते हुए भी थोड़े व्यापारी प्रवृत्ति के थे, वो लेके चले, ठीक है रायदास भैया हम जरूर जाकर के गंगा मैया को आपकी प्रार्थना बदला देंगे और ये जो आपने प्रदान किया ये हमको दे दें, उनको दे दें। ये गए, अच्छे से स्नान किया, डुबकी लगाई और डुबकी लगाने के उपरांत याद आया रैदास ने एक पैसा जो है गंगा मैया को देने के लिए दिया था, वो गंगा मैया को देना है, उन्हें स्मरण होया। गंगा मैया से प्रार्थना किया, हे गंगा मैया रैदास जी ने आपके लिए ये रुपया प्रदान करने के लिए कहा है, इसे कृपा करके ग्रहण करें। जैसे ही उन्होंने जल में छोड़ा, उसमें से जल में से एक हाथ प्रकट हो गया और हाथ में से बहुत सुंदर स्वर्ण कंगन प्रकट हो गया और वो ऐसा स्वर्ण और रत्न जड़ित कंगन जो पूरे विश्व में नजर नहीं आता, कोई बना नहीं सकता। उसको लेकर के जब मैया ने हाथ ऊपर करके कहा कि मेरे भक्त को प्रदान कर देना, ब्राह्मण बड़ा आश्चर्यचकित रह गया और रोमावली खड़ी हो गई कि गंगा मैया कितनी कृपा करती है। गंगा मैया की जय, रैदास की जय। तो रैदास महाराज की जब ये बात उनको स्मरण हुई तो उनके मन में एक भावना उत्पन्न हुई, महान संत, और उसको ग्रहण करके बड़े हाथों से कांपते कांपते वहां से लिया, बार बार गंगा मैया को प्रणाम करते हैं और वहां से चले। जब तक हरिद्वार में थे, जब तक तीर्थ में थे, तब तो पूर्ण श्रद्धा, और बाहर निकले एकदम से जो है लोभ जाग गया, इतना सुंदर आभूषण और रत्न जड़ित ये कंगन जो है ये तो कहीं देखने से मिलता नहीं, बड़ी बड़ी दुकानों में देखा ऐसा कंगन कभी नजर नहीं आता, क्यों ना मैं इसे राजा को भेज दूं और राजा मुझे पुरस्कार देगा इसके बदले में और मेरी वाहवाही करेगा। तो वो वहां से चला है, रैदास जी से नहीं मिला और रैदास जी अपना आनंद मग्न भगवान का हरिनाम कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये राजा के पास पहुंचे कंगन को लेकर के, कहा महाराज मैं आपके लिए पुरस्कार स्वरूप लेकर आया हूं, इसको आप ग्रहण कीजिए। राजा ने देखा इतना विचित्र और चमत्कृत कंगन जो आज तक मैंने भी नहीं देखा, बहुत देर तक टकटकी लगाकर देखने लगे। उसके उपरांत वहां से उन्होंने अपनी महारानी को बुलाया, रानी को बुलाया और उस कंगन को उनको प्रदान कर दिया और कहा इस ब्राह्मण देव को हमारे जितने भी विद्या अर्जित करने वाले विद्वान हैं उनमें इनकी भर्ती कर दी जाए और ये हमारे सभाओं के रत्न स्वरूप रहेंगे, और उनको नौकरी प्रदान कर दी। तो रात्रि में जब रानी ने उस कंगन की परख की, उसकी तो आंखें ऐसे चमत्कृत हो गई कि ऐसा कंगन हमने पूरा जो है भारतवर्ष और विश्व घूमा लेकिन आज तक ऐसा कंगन हमें कभी देखने को नहीं मिला, इसमें इतने सुंदर सुंदर रत्न जड़े हुए हैं और ये सोना भी ऐसा चमत्कृत है कि यहाँ का जो प्राकृतिक सोना है उसकी कभी भी बराबरी नहीं कर सकता। तो रानी क्योंकि स्त्री जाति है, थोड़ा सा आभूषण मिले तो थोड़ा लोभ जाग जाता है। हमने कहा महाराज आपकी जय जयकार हो, इतना सुंदर आपने मुझे पुरस्कार दिया, आभूषण दिया, इस कंगन का एक हाथ में क्या करूंगी, दूसरा भी हाथ कभी लेकर आएंगे, तब तो कुछ बात बने। राजा के दिमाग में बात आई, हाँ सही कहती कि भाई एक कंगन कैसे पहनेगी ग्रहण,
दूसरा कंगन भी देना चाहिए, कली लोग वो तो हमने भर्ती कर रखा है ब्राह्मण, कल आएगा। अब वो अगले दिन फिर आया, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद, जय जयकार को बहुत हो गई। अब कृपा करके जो कल कंगन आपने हमको दिया, एक और कंगन होना चाहिए, जोड़ा होता है कंगन का, भाई तुम एक लेकर के आए हो तो ठीक बात नहीं, दूसरा कंगन भी लेकर आओ तो तुम्हारा पौधा और बढ़ा देंगे और रानी भी प्रसन्न हो जाएगी, हम भी प्रसन्न। अब ब्राह्मण देव सोचने लगे कंगन कहां से ला के, तो कह रहे महाराज ये तो नहीं ला सकता, एक ही बन पाया था बड़ी मुश्किल से, इसीलिए और नहीं बना सकते, जो कारीगर बनाने वाला है वो भी मर गया, हमें मर गया, चतुर है ना, तो अपनी जान बचानी है। कह रहा मुझे कुछ नहीं पता, स्त्री हट बड़ी हट है और रानी ने हट पकड़ी हुई है, जब तक दूसरा कंगन नहीं आएगा मैं व्रत धारण कर रही हूं और शरीर त्याग दूंगी। उन्होंने कहा अच्छा ब्राह्मण देव, यदि तुम इसे 3 दिन के अंदर नहीं लेकर आए तो तुम नौकरी तो भूल जाओ और अपना जीवन बचाने की सोचो, ये जीवन को बचेगा या नहीं। अब तो बड़े फंस गए ब्राह्मण देव, सोचने लगे ये अच्छे फंसे, हम तो कहा महाराज से पुरस्कार रूप में नौकरी ली और यहाँ जो है उल्टा ही घल गई नौकरी। तो वो वहां से चले और चल करके सीधा रैदास जी के चरणों में लोटपोट हो गए, कहा महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, आप महान संत हैं, आप ही मुझे बचा सकते हैं, क्या हो गया क्या हो गया, आपने जो माता गंगा मैया के लिए जो पैसा दिया था मैंने डाल करके प्रार्थना की तो गंगा मैया ने बड़ी कृपा करके और सुंदर रत्न जड़ित आभूषण जो है कंगन रूप में प्रदान किया और कहा मेरे भक्त को प्रदान कर देना, मेरे अंदर लोप जा गया और मैंने दुष्टता दिखाकर हुए राजा को प्रदान कर दिया और राजा अब कहता है दूसरा कंगन और लेकर आ, नहीं तो तेरे प्राण ले लूंगा, अब कृपा करके मेरी रक्षा करो। रैदास ने मुस्कुराते हुए कहा चिंता मत करो, तुम्हें जब तुम्हारे 3 दिन पूरे हो जाए राजा को इधर ले आना। अब वो चले गए आराम से, अब जो है पैर फैला के सो गए ब्राह्मण देव कि अब चिंता मुक्त है, ब्राह्मण देव ने संत देव ने कह दिया रक्षा हो जाएगी। उसके बाद जब 3 दिन पूर्ण हो गए, 3 दिन की नौकरी आराम से की बढ़िया तरीके से, और जब राजा को, राजा ने कहा भाई लाए तुम कंगन, हाँ चलो कंगन दिलाते हैं आपको आइए, तो वहां पर जो है उनकी पालकी सजी, रथ सजा, राजा बैठा, ब्राह्मण देव बैठे और रानी को बिठा लिया कि भाई देखना कहीं दूसरा कंगन ना दे तो तुम भी चलो, और वह चल पड़े और जाके रैदास जी जो है जूती काट रहे, वो कर रहे हरि नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वहां जाके सबने रैदास जी को प्रणाम किया, सब बहुत आदर करते थे क्योंकि बड़े निर्मल संत थे और पूरे चारों तरफ प्रजा में उनके भक्ति का यश जो है फैला हुआ था। महाराज ने भी उनको प्रणाम किया और फिर ब्राह्मण देव ने कहा हे महाराज, राजा जी आ गए हैं, महाराज जी आ गए हैं, इनको वो कंगन प्रदान कीजिए। तो देखिए अब अपने आनंद की मस्ती में रैदास जी क्या कर रहे हैं, आंख भी नहीं खोल रहे, उनको साक्षात भगवान का दर्शन हो रहा है, हरे कृष्ण में मंत है, सीताराम में मग्न है और कह रहे हैं भैया सब इधर आ जाओ, एक कटौती में देख लो तुम्हारा कौन सा कंगन है। जैसी कटौती आगे की उसमें हजारों कंगन नजर आ गए, जितनी भी संपत्ति धन है ये सब नश्वर है, प्रेम धन जिसके हृदय में है, राधा कृष्ण नहीं तो सीताराम का प्रेम धन जिसके हृदय में है उसकी कटौती में लाखों करोड़ों आभूषण जो है बह रहे हैं, गंगा जी बह रही है, ऐसे संत की चरण धूलि हमें मिले, इसी आशा से हम शिव गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। वंशा प्रधान प्रधान हरे कृष्ण। कल हम लोगों ने जो कथा सुनी थी प्रभु जी ने वो कथा सुनाएंगे आप। अज्ञान्ति मिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म परम आराधितम श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोदश श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोदश श्री श्रीमद भक्ति श्री सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल का आश्रय लेते हुए समस्त रूपानुग गुरुवर के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। यहाँ उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में यथायोग्य दंडवत प्रणाम। हम लोग गुरुदेव के मुखारविंद से कल श्रवण कर रहे थे किस प्रकार चूल्हे पर दूध उफनते उफन रहा था, माँ यशोदा उसकी रक्षा करने के लिए कृष्ण को बिठाकर और दूध बचाने गई थी। कृष्ण ने यहाँ पर क्रोधित होकर मटकी फोड़ दी, मटकी फोड़ के किसी दूसरे कमरे में चले गए, ओखल के ऊपर चढ़ के वहां से माखन निकाल निकाल के और बंदर और कौओं को खिला रहे हैं। हाँ, अभी बच्चा यहाँ पर कृष्ण के मन की स्थिति कैसी है? कृष्ण बड़े चंचल है क्योंकि पहले तो मटकी फोड़ आए हैं, एक गलती कर दी, अभी इस कमरे में आकर माखन निकाल के बंदर और कौओं को खिला रहे हैं। तो कभी पीछे देखते हैं कहीं मैया आ तो नहीं गई, फिर वापस खिलाते हैं, फिर पीछे देखते हैं। तो ऐसे बड़े चंचल मन से कृष्ण बंदरों को खिला रहे हैं। मैया भी यहाँ पर खोजती खोजती हम श्रवण कर रहे थे किस प्रकार कृष्ण के पदचिन्ह वहां पर रह गए थे। तो कृष्ण के पदचिन्हों का अनुसरण करते करते मैया जिस जहां पर कृष्ण थे वहां चुपके चुपके आ रही, जैसे बिल्ली चलती है ना, बिल्ली अगर सूखे पत्ते में भी चलेगी तो शब्द नहीं होता। तो मैया उसी प्रकार हाथ में छड़ी लेकर धीरे 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 उस कमरे में आती जा रही, उस घर में घुसती जा रही है। अभी मैया को देखकर सारे कौवे और बंदर धीरे धीरे भागने लगे। देखा जैसे हाथ में छड़ी है, कौवे उड़ने चले गए, उड़ते उड़ते चले गए, सारे बंदर भी भागने लगे। कृष्ण अब विचार कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैया आ गई हो, ये सब बंदर भाग क्यों रहे हैं। देखो कृष्ण कौन है, हम श्रवण कर रहे थे ना, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि। कृष्ण कौन है? सबसे बड़े चोर है। तो अगर गृहस्वामी जग जाएगा, चोर पहले से डिसाइड करके रखता है कि मुझे कि कहां से भागना है, अगर कैसे बच के जाना है ना। तो कृष्ण ने क्या किया, जैसे ही पीछे मैया को देखा, मैया अभी पकड़ने ही वाली है, किंतु कृष्ण ने सामने दरवाजे से छलांग लगाई ओखल के ऊपर से और सामने दरवाजे से भागते हुए एकदम मेन रोड में चले गए। हमने पहले श्रवण किया था, उस दिन दिवाली का दिन था, सारे पुरुष लोग तब उस दिन बाहर गए हुए थे और मैया ने सभी दासियों को भी छुट्टी दे दी थी। कृष्ण सोच रहे थे कि अगर मैं मेन रोड पर चले जाऊं, माँ कौन है, वो घर की बहू है और घर की स्त्री तब पुरुषों के सामने नहीं आती थी, तो कृष्ण ने सोचा इस तरह से मैं बच जाऊंगा। किंतु उस दिन दिवाली का दिन था, कहीं कहीं कह रहे हैं कि अगले दिन इंद्र पूजा होगी, तो सब गोप लोग क्या नंद खड़क पर गए हुए थे मंत्रणा करने के लिए, तो कोई भी गोप लोग वहां थे नहीं, कोई भी गोप बाहर थे नहीं। तो मैया ने आज क्या किया, बोले आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, आज कृष्ण को निश्चित रूप में पकड़ के ही रहेंगे। ये धारणा करते हुए मैया कृष्ण के पीछे पीछे भाग रहे हैं, कृष्ण आगे आगे भाग रहे हैं, मैया उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर कहते हैं कि यहाँ पर मैया को वृद्धावस्था में तो लाला की प्राप्ति हुई है, मैया थोड़ी सी मोटी भी है, कृष्ण तो चंचल बालक की तरह बहुत जोर तीव्र गति से भाग रहे हैं, किंतु मैया अभी हाँफती जा रही है, थक जा रही है। हाँ, मैया के हाथ में क्या है, लाठी। कृष्ण को जोर से शासन करते हुए कहती है, बोले लाला वहीं रुक जा, नहीं तो ये लाठी जोर से मारूंगी। अभी कृष्ण तो भयभीत हो गए, कृष्ण ने भयभीत होकर वहीं पर रुक गए और मैया ने जाके उनको पकड़ लिया। हाँ, सत्यव्रत मुनि कहते हैं ना, यशोदा पियोलुक लाघव मानम परामृष्ट मृत्यम ततो द्रुत गोप्या ततो द्रुत गोप्या। अर्थात कृष्ण जिस तीव्र गति से भाग रहे थे, मैया की उससे ज्यादा गति थी, तभी जाके तो कृष्ण को पकड़ लिया। कृष्ण कौन है, कृष्ण असीम है, कृष्ण को पकड़ना साधारण बात नहीं है। हम श्रवण कर रहे थे ना किस प्रकार, क्या वायोरथापि मनसो मुनि पुंगवान, कि बड़े बड़े योगी ध्यानी आप कितना ब्रह्म ज्ञान से तपस्या करके भी कृष्ण के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण नहीं कर पाते, कृष्ण की इतनी तीव्र गति है। किंतु उन्हीं कृष्ण को मैया ने पकड़ लिया, ततो द्रुत गोपिया। किस वजह से, क्योंकि मैया की कृष्ण के प्रति भक्ति बहुत ज्यादा है, जितना कृष्ण का अपने भक्तों के प्रति भक्ति है उससे ज्यादा भक्तों की कृष्ण के प्रति है। हम लोगों ने इसके बारे में विस्तृत रूप में पहले भी श्रवण किया है। तो मैया ने अभी यहाँ पर कृष्ण को पकड़ लिया, मैया के हाथ में लाठी देखकर और कृष्ण अभी यहाँ क्रंदन कर रहे हैं, रुदंतम मुहुर्नेत्रम युगमम मृजांतम करंबोज युगमेना सातं कलेत्रम मुहुश्वाशकंप त्रिवेणांत्रकंप
है, रुदंतम मुहुर् नेत्रम युग्मम रजांतम करम भोज युग्मेन सातंत्र नेत्रम। आंखों से मानो गंगा यमुना की तरह अश्रु बह रहे हैं, माँ ने आंखों में बड़ा सुंदर काजल लगा रखा था। वो कृष्ण क्या कर रहे हैं, अपने हाथों से आंखों को, जैसे बच्चा क्रंदन करता है आंखों को मसलते मसलते, और रो रहे हैं, सिसक सिसक कर रो रहे हैं, कंठ में त्रिकंठी पड़ गई है और आंखों से जो अश्रु बह रहे हैं काजल के साथ घुल के श्याम वर्ण के हो गए हैं, ऐसे कृष्ण का स्वरूप हो गया है। कृष्ण यहाँ पर मैया के शासन से भयभीत हो गए हैं, ऐसी स्थिति देखी जा रही है। कृष्ण कौन है, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक है, किंतु यशोदा मैया के वात्सल्य प्रेम के आगे, उनके भाव के आगे कृष्ण अभी यहाँ भयभीत हो गए हैं। कृष्ण माँ को बोले, बोले मैया मुझे मत मारो, मैया मैं और कभी मटके नहीं फोड़ूंगा, मैया ये लाठी को फेंक दे, माँ मुझे मत मार। जब कृष्ण ने ऐसा किया, मैया क्या चाहती थी, कृष्ण को थोड़ा डराना ही चाहती थी, क्यों, क्योंकि बच्चों को अगर शासन करके, अभी क्या कर रहे हैं कृष्ण, बड़े ही उद्दंड हो गए हैं, अगर उनको शासन, मैया सोच रही है अगर मैंने शासन करके ना रखा तो इसकी उद्दंडता और बढ़ती जाएगी, तो मैया डराना ही चाहती थी। कृष्ण भी जब यहाँ भयभीत हो गए तो मैया ने उससे कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं, बोले बताओ ये मटकी किसने फोड़ी। बोले मैया सच बताओ ना झूठ बताओ। बोले झूठ क्यों बोलोगे, सच सच बताओ। बोले मैया तुम जब चूल्हे पे उठा और दूध की रक्षा करने जा रही थी, तुमने पैरों में इतने बड़े बड़े कड़ूले पहन रखे थे, तुम्हारे पैरों की ठोकर लगी मटकी पर और मटकी फूट गई, वहां से सारा दही बह गया। मैया सुनकर इतनी आश्चर्यचकित हो रही है, बोले इसने मटकी फोड़ी और मुझ पर दोषारोपण करता है। मैया पूछ रही, बोले अच्छा मटकी मैंने फोड़ी, बताओ बंदर को माखन किसने खिलाया। बोले मैया जिसने बनाया उसने खिलाया, माखन जिसने बनाया उसने खिलाया। मैया सुन सुन के बड़ी उसको देख रही, बोले कृष्ण की बातों को सुन के आश्चर्यचकित हो रही माँ, बोलती है तुम चोर हो, तुम चोर हो। मैया अभी कृष्ण ने क्या, कृष्ण के एक मामा का नाम है चोर गोप, कृष्ण ने कभी पहले सुना था कि एक मामा का नाम चोर गोप है। कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि चोर, बोले मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो नंद बाबा साहूकार है, मेरे पिताजी साहूकार है, मैं उनका लाला हूँ, हमारे यहाँ कोई कमी है क्या, मैं चोर नहीं हूँ, होगा तो होगा तुम्हारे घर में चोर गोप होगा। मैया एक एक बात सुन सुन के बड़ी आश्चर्यचकित हो रही थी और बाद में कहती है कि तुम बंदर बंधु हो, तुम क्या हो, बंदरों के दोस्तों, बंदरों को माखन खिला रहे थे ना। अभी कृष्ण भी यहाँ पर क्या क्रोधित हो गए, कृष्ण क्रोधित होकर माँ को बोलते हैं कि अगर मैं बंदर बंधु हूं तो छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो, मैं जाकर जंगल में बंदरों के साथ में ही रहूंगा। आपने देखा होगा अगर बच्चे क्रोधित हो जाते हैं तो जो उनके मन में आता है ना वही करने लग जाते हैं, हाँ तब सोचते नहीं। माँ भी सोच रही है अगर ये सचमुच जंगल में चला गया तो बड़ी परेशानी हो जाएगी, तो माँ ने क्या किया, इसका गुस्सा कुछ देर में शांत हो जाएगा तो मैं इसे बांध देती हूँ। बोले एक तूखल और एक ही उदुखल, एक बोखल जिसके ऊपर चढ़ के तुमने सबको माखन खिलाया, इन दोनों को मैं आज बांध दूंगी। मैया ने क्या किया, अपनी छोटी से एक रिबन निकाला और कृष्ण को बांधने की चेष्टा कर रही है, हाँ कृष्ण को बांधने की चेष्टा कर रही है। मैया जैसे कृष्ण को बांधती है वहां पर दो उंगल कम पड़ जाती है, रस्सी जो रस्सी दो उंगल कम पड़ जाती है। वहां पर और भी गोपियां खड़ी थी, वो गोपियों से उनका फीता मांग के मैया ने जोड़ के फिर बांधने की चेष्टा करी, फिर वापस दो उंगल कम पड़ जाती है। मैया ने कृष्ण को बड़ी सुंदर कर्दनी पहना रखी थी, कमर उतनी की उतनी है, कर्दनी भी वही है, किंतु जब जब मैया बांधने की चेष्टा कर रही है हमेशा दो उंगल कम पड़ जा रही है। ब्रज की सारी रस्सियां मानो खत्म होने को आ रही है किंतु फिर भी मैया कृष्ण को यहाँ पर बांध नहीं पा रही है, मैया कृष्ण को यहाँ पर बांध नहीं पा रही है। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं न च अंतर न बहिर्व स्थिति पूर्व नापि चापरम, कि कृष्ण कौन है, कृष्ण असीम है। हमने पहले श्रवण किया था ना जब कृष्ण ने माँ को अपने छोटे से मुख के अंदर अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड दिखा दिया, तो कृष्ण के गर्भ में कौन है, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड है, वो सर्वव्यापक है। इसीलिए लेकिन फिर भी मैया क्या है, चेष्टा कर रही है कृष्ण को बांधने की। अभी वहां पर जो गोपियां खड़ी थी वो मैया को उपहास करते हुए कहने लगी, बोले यशोदे लगता है तेरे लाला के नसीब में बंधन नहीं है, तेरे लाला के बंधन नहीं लिखा है, तू उसको बांध नहीं पाएगी। मैया यहाँ पर उनको कहती है, बोले ये मेरी कोख से जाया हुआ है, मेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ और मैं इसको बांध नहीं सकती। हाँ मैया का पूर्ण रूप में वात्सल्य भाव है, मैया कह रही है यहाँ पर मैं इसे निश्चित रूप में बांध के ही रहूंगी। अभी माँ पूरा पसीने में लथपथ हो गई है, बड़ी क्लांत होकर अपने इष्ट देव नारायण से प्रार्थना करती है, बोले हे प्रभु सुबह से शाम हो गई मैं बांधने की इसे कोशिश कर रही हूँ, यहाँ पर देखो ये गोपियां मेरा उपहास उड़ा रही हैं, आप दया करो। तो जब माँ इस प्रकार शरणागत हुई यशोदा माँ, तब भगवान ने क्या किया, कृपया आसीत स्वबंधने, माता परिश्रम दृष्ट्वा कृपया आसीत स्वबंधने, कि भगवान ने स्वयं बंधन स्वीकार कर लिया। भगवान असीम है, मैया यशोदा उनको बांध नहीं सकती, किंतु
भगवान ने स्वयं ने क्या किया, बंधन स्वीकार कर लिया। अभी इसके आगे की कथा हम गुरुदेव से श्रवण करेंगे, किस प्रकार उन दो मूल्यों का क्या बोला श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय इष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्तों को चरणों में यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे मैया कृष्ण को बांधने के लिए चाह रही है, लेकिन कृष्ण क्या सोच रही है, अगर मैया मेरे को बांध देगी ना मेरा जो नित्य कर्म ये बंद हो जाएगा। कहते कृष्ण का नित्य धर्म क्या, कृष्ण रोज क्या करते हैं, सवेरे उठ करके सखाओं को साथ में घर घर में जाते हैं, प्रभु मक्खन चोरी करते हैं, हैं? कहते भगवान का ये नित्य धर्म है क्या, घर घर में प्रभु चोरी करते हैं, सखाओं को साथ में खेलते हैं, कूदते हैं, आनंद लेते हैं। अभी कृष्ण सोच रहे हैं मैया जैसे मेरे को नहीं बांध सके। जब कृष्ण के मन में ये इच्छा हुई, कहते कृष्ण की जो इच्छा शक्ति, जो कृष्ण जो कुछ इच्छा करते हैं उनकी जो इच्छा शक्ति जोग माया प्रभु की इच्छाओं को पूरी कर देती है। अभी कृष्ण की क्या इच्छा, मैया मेरे को नहीं बांधे। अगर कृष्ण अगर सोचे मैया मेरे को नहीं बांधे, हम किस चीज को बांध सकते हैं जो सीमा विशिष्ट है, हैं? लेकिन कृष्ण कौन है, अनंत है, असीम है, जिसका बाहर भी नहीं जिसका भीतर नहीं, फिर उनको मैया बांधेगी कैसे, कृष्ण की इच्छा नहीं मेरे को बांध सके। इसलिए मैया बड़ी कोशिश तक मैया ने की सवेर से लेकर के शाम तक, लेकिन कृष्ण को बांध नहीं सकी। मैया की सारा शरीर से पसीना बह रही थी, चोटी खोल गई, वहां से जो मालती का पुष्पति एक एक गिर रहा है, मैया एकदम परिश्रांत हो गई। मैया जब किसी तरह से मैया नहीं बांध सकी और गोपियां खिली उड़ा रही, मैया तेरे लाला की ललाट में बंधन है नहीं, तू कैसे लाला को बांधोगे, जब खिली उड़ा रही है। इतने में मैया ने सोची, देखो गोपियां मेरी घासी उड़ा रही हैं। इतने में उन्होंने जो गृह देवता नारायण उनके चरण में शरणागत हो गई, बोले प्रभु मेरे लाज को तू बचा, सवेर से शाम हो गया इसको पीछे अभी तक बांध नहीं पाई, तू मेरे लाज को बचा। जब उनने शरणागत हो गई ना, इतने में ठाकुर जी इनकी शरणागति को देखकर बंधन को स्वीकार किया। तो यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका में कहते हैं, अगर भक्त भगवान की भी लड़ाई हो जाए ना, भक्त भगवान में भगवान को जीत करके आनंद नहीं, भगवान को हार करके आनंद होता है। जैसे कृष्ण सुदामा में कभी कभी कुश्ती होता है, लेकिन कृष्ण जीत करके खुश खुश नहीं होते हैं, कृष्ण हार जाते हैं। सुदाम क्या करता है, ऐसे पछाड़ मारता है, कृष्ण को नीचे गिरा देता है और कृष्ण को छाती पर बैठ जाता है, बोले कन्हैया तू हार गया मैं जीत गया हूँ, तू हार गया मैं जीत गया। और भगवान हार करके ना खुश होते हैं, जीत करके ठाकुर जी खुश नहीं होते हैं। क्यों, भगवान भक्त वत्सल है, भगवान चाहते मेरे भक्त खुश रहे, मैं भक्त खुश रहेगा तो मैं खुश रहूंगा। जैसे महाभारत युद्ध में कृष्ण का प्रतिज्ञा किया था, मैं महाभारत युद्ध में अस्त्र धारण नहीं करूंगा, लेकिन पितामह भीष्म का क्या प्रतिज्ञा था, बोले तब मैं शांतनु तनु कहा हूं जब हरि से अस्त्र गहा, तभी मैं शांतनु का बेटा हूं
जब भगवान ने प्रतिज्ञा किया ना, मैं अस्त्र धारण नहीं करूंगा, मैं भगवान से अस्त्र धारण करा के ही रहूंगा, लेकिन जिनकी केवल एक भ्रुकुटि मात्र से ही अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड में सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाता है। लेकिन आज ठाकुर जी हैं, जब देखा अर्जुन को ऐसे बाण मार रहे थे पितामह भीष्म, बाण मार मार करके उनको प्रत्यंचा को तोड़ रहे थे, सारा शरीर से खून बह रहा था, अर्जुन किसी तरह से युद्ध नहीं कर पा रहा था। कृष्ण ने सोचा ये बूढ़े को आज क्या हो गया, ये बूढ़े तो आज छलांग लगा लगा करके आज लगता है मेरे पार्थों की मार डालेगा। इतने में कृष्ण को सहन नहीं हुआ, उन्होंने क्या किया, वहां से कूद पड़े और रथ की पहिया को लेकर के भीष्म को मारने के लिए दौड़ पड़े। इतने में पितामह भीष्म धनुष को रख दिया, बोले प्रभु आप कितने बड़े भक्तवत्सल हैं, आपकी एक इच्छा होते ही विश्व ब्रह्मांड में सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाता है। कृष्ण अर्जुन को दिखाए ना विश्व ब्रह्मांड, बोले जिनको साथ में तू युद्ध करना चाहता है देख ले। जब भगवान को विश्व रूप दिखाया, पहले देखा मरे हुए सब के सब, सब मरे हुए, बोले अर्जुन निमित्त मात्र भव सभ्य साची, केवल तुखे निमित्त है, पहले मैं मार करके रखा हूं, ये सब पहले मर चुके हैं, तेरे को केवल निमित्त बनना है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, अगर भक्त भगवान में कभी लड़ाई हो ना, जीत किसकी होती है, भक्त का, भगवान का जीत नहीं, भक्त का जीत है। मैया क्या चाह रही है, लाला को मैं बांध करके रहूंगी। कृष्ण क्या सोच रहे हैं, मैया मेरे को बांध नहीं पाए, बांध लेगी तो मेरी नित्य कर्म बंद हो जाएगी, जो सखा के साथ में खेलता कूदता चोरी करता बंद हो जाएगा, कृष्ण की इच्छा। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में प्रभु ने अपना प्रतिज्ञा को तोड़े और भक्त प्रतिज्ञा को ठाकुर जी रक्षा करते हैं। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। इतने में माँ की परिश्रम देख करके भगवान कृपा करके बंधन को स्वीकार किया। इसलिए गतकल्ले हम लोग सुन रहे थे, जितना बार रस्सी की गांठ लगा रहे थे, गांठ रस्सी बढ़ते जा रही है, रस्सी बढ़ते जा रही है, कृष्ण कमर इतने से इतने, उसमें करधनी बंधी हुई इतनी है, लेकिन किसी तरह से दो अंगुल पूरी नहीं पड़ रही है। बोले दो अंगुल क्यों नहीं पूरी पड़ रही है, तब उसको पीछे हमारे टीकाकार गुरु जी बहुत अच्छी अच्छी बात बताते हैं। हमारे गुरु जी कहते थे अगर ये दो अंगुल क्यों कम पड़ता है, अगर ये चीज को समझ कोई समझ गया है ना, और अगर अपना जीवन में उतार लिया तो इसी जीवन में बेड़ा पार हो जाएगा, इसी जीवन में बेड़ा पार हो जाएगा, गुरु जी कहते थे। बोले पहला अंगुल क्या है, बोले साधन का, साधक का साधन चेष्टा, जब साधक ऐसे साधन करता है, मंत्र साधन की बात शरीर पतन, हम इसी जीवन में ही भगवान को प्राप्त करके रहूंगा। जैसे ध्रुव महाराज, एक समय हम गुरु जी को साथ में जो ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे थे, एक समय हम लोग ने ध्रुव टीला, हम लोग गए और ध्रुव टीला, एक दिन ध्रुव टीला भी गई, वहां पर एक संत भजन कर रहा था, तब उन्होंने गुरु जी को पास में आए, बोले गुरु जी बहुत दिन हो गया मैं यहाँ भजन कर रहा हूँ, लेकिन यहीं पर तो ध्रुव जी ने 6 महीना में ठाकुर को दर्शन किया, अरे मेरा इतना दिन हो गया अभी ठाकुर मिले नहीं, ऐसे क्यों, तो गुरु जी ने एक अच्छी बात बताया, देखो तभी ठाकुर जी मिलेंगे जब तुम्हारी प्राण होठ में आ जाए, अगर भगवान अगर मिलेंगे नहीं तो ये प्राण त्याग कर दूंगा, दे दूंगा, लेकिन भगवान को प्राप्त करके ही मैं रहूंगा। जब साधक की ऐसे चेष्टा दिन रात 24 घंटा निरंतर जमय रूप में, जैसे शहद को ऐसे डालो ना उसमें देखना कि धागा बन जाती है, देखा शहद को जो डालोगे एक धागा बन जाती है, जब हमारी भजन ऐसे निरंतर जमय उठते बैठते सोते चलते एक सेकंड के लिए भी मन भगवान से दूर नहीं हो, हैं, इसलिए महाप्रभु क्या कहते हैं कि सहने की भोजन की वा जागरण आहर निशा चिंता कृष्ण बोला वजन, सोते उठते बैठते क्या करो, हर समय अपना मुंह में ठाकुर का नाम लो, हाथ में काम करो और मुंह में ठाकुर जी की नाम लो, इसलिए हर समय उनकी चिंतन करो। इसलिए गुरु जी ने कहा जब तुम्हारी प्राण होठ पर आ जाएगा ना, बस भगवान मिल जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे। इसलिए यहाँ पर मैया जसोदा की उन्होंने, कृष्ण ने जब उनकी चेष्टा को देखी, मैया तो नाछड़ो बंधा, ये तो करे मैं बात करके रहूंगी, सफेद तो शाम तो हो गया, लेकिन मैया सोच रहे बात करके रहूंगी बदलूंगी, ये पहला अंगुल है ये हमारी। दूसरा अंगुल क्या है, जब भगवान ऐसे देखते है ना, ठाकुर का हृदय द्रवीभूत हो जाता है। गुरुदेव उदाहरण देते थे, जैसे एक बच्चा सो रहा है, मैया घर की काम रोसी बना रही है,
इतने में बच्चा लाला की नींद खुल गई, वो छोटा बच्चा है। अब देखना नींद खुलते उसको भूख लगता है, बच्चा रोता है। बोले क्यों? बोले मैया की कान पर आवाज पड़े और मैया आकर के मेरे को दूध पिलाए, अपने गोद में ले। बच्चा थोड़ी सी रोता है, मैया सोचती है अभी अभी तो रसोई बना रही हूँ, अभी अभी खत्म हो जाएगी, लाला को मैं दूध पिला दूंगी। लेकिन लाला जब देखता है, मैंने तो थोड़ी तो रो लिया लेकिन मैया आकर के उठा नहीं रही। फिर बच्चा क्या करता है, थोड़ा जोर से रोता है, मैया कान में पड़े और मैया आपको यहाँ से उठा कर ले जाएगी। थोड़ी दूर से रोता है, जोता है, मैया सोचते कोई बात नहीं अभी अभी खाना बन जाएगी, लाला को मैं गोद में लेकर दूध पिला दूंगी। लेकिन जो बच्चा देखता है तब भी मैया नहीं आती है ना, बच्चा क्या करता है, जोर से लौट पोट उठाने लग जाता है, रो रो कर जमीन पर। फिर मैया क्या करती है, सारे काम को वहीं फेंक करके लाला को गोद में उठा लेती है। तब गुरुदेव उदाहरण देते तो ठीक ऐसे ही हैं, जब हम ठाकुर के सिवाय हम प्राण धारण नहीं करेंगे, इसीलिए भक्त में ठाकुर कहते ना, करुणा नाहेले कांदिया कांदिया प्राण ना राखी व आर। ठाकुर जी अगर आपकी कृपा नहीं होगा तो रो रो करके प्राण को हम त्याग दे देंगे, फिर भगवान की कृपा होती है। इसलिए पहला अंगुल क्या हो गया, साधक का साधन चेष्टा, और दूसरा अंगुल है ठाकुर का कृपा। बस जब वो दो चीज मिल जाएगा ना, काम बनेगा तुम्हारा। तब इसमें गुरुदेव उदाहरण दिए, देखो इस चीज को अच्छे से उदाहरण को समझो। उन्होंने दो उदाहरण दिया, एक बंदर न्याय और एक मार्जार न्याय। आप लोग बंदर तो देखे हो, बड़ों तक बहुत सारे बंदर घूमते रहते हैं, आप बंदर देखे कि नहीं? आप देखना बंदर का एक नियम है, क्या है, बंदर अपना बच्चों को भी नहीं पकड़ता है, उसको कौन पकड़ता है, उसको बच्चा। अब देखना बंदर उसको पेट के नीचे झूल जाती है, पकड़ कर रखता है, मैया यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ छलांग लगाती रहती है। अगर बीच में अगर बंदर का बच्चा छोड़ देता है ना, मैया फिर उठाते हैं उसको, बोले तू नालायक हो, तू नालायक हो, तो बीच में छोड़ दिया नालायक, उसको उठा दे नहीं भैया, उसका एक नियम है। इसलिए एक बंदर, बंदर का बच्चा क्या करता है, वो स्वयं पकड़ने के लिए कोशिश करता है, माँ को पकड़ कर रखूं मैया छलांग। दूसरा मार्जार, मार्जार मतलब बिल्ली, बिल्ली देखे हो, देखे कि नहीं बिल्ली? अब देखना बिल्ली जब घर में बच्चा देता है ना, वो बच्चे को एक जगह पर नहीं रखता, दांत मुंह पकड़ करके यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ 10 बार जगह बदलाती रहेगी, बार बार बदलाती रहेगी। लेकिन ये बिल्ली का बच्चा कुछ नहीं करता है, जो कुछ कौन करता है, माँ करती है। तब कहती भैया ये दो जो चीज है, उदाहरण दिया, ये दो चीज से भी काम नहीं बनेगा, ये दोनों को मिला, दो चीज में काम नहीं बनेगा मतलब क्या? पहला बंदर न्याय, जैसे बंदर कोशिश करता है माँ को पकड़ कर रखने के लिए, उसी तरह अगर साधक अगर चेष्टा करे, क्या करे, हम भगवान को अपना चेष्टा से ठाकुर को प्राप्त कर लेंगे, ठाकुर को प्राप्त कर लेंगे, नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे मैया कोशिश कर रही थी कृष्ण को मैं बांध करके ही रहूंगी, लेकिन बांध सकी, नहीं बांध सकी। दूसरा उदाहरण दिया बिल्ली, बिल्ली कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कहते भैया ठाकुर की इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं हिलता है, जब इसका इच्छा के बगैर एक पता नहीं हिलता है, हम फिर क्या कर सकते हैं, जो करेगा ठाकुर करेंगे, भाई ये भी नहीं बनेगा, इसको धरा भी काम नहीं बनेगा। ऐसे बैठने पर अगर शेर अगर बैठा रहेगा, क्या हिरण आकर मुंह में थोड़ी अपने आप थोड़ी घुस जाएगा? अब देखे ना है डिस्कवर, देखा ना शेर कितना पीछा उसको करता है हिरण को पकड़ने के लिए, तब तो जाकर पकड़ता है ना, अगर चुपचाप बैठा रहेगा तो मुंह में थोड़ी हिरण आ जाएगी, नहीं, इसलिए वो चेष्टा करता है, हैं? इसलिए अगर कोई सोचे नहीं उसके इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता, हम तो इसे पड़े रहेंगे, जब कुछ होगा तो भगवान मिलेंगे तो मिलेंगे, नहीं कोई बात नहीं, कहते ये भी नहीं होगा, ये दोनों ही फेल है। फिर क्या कर, बोले दोनों को मिला दो, दोनों को मिला दो, मिलाएंगे कैसे, देखो क्या उदाहरण देते हैं, हमको चेष्टा करनी चाहिए, हमको चेष्टा करनी चाहिए, हरि नाम करनी चाहिए, सवेरे उठनी चाहिए, ऐसे नहीं 1-2 बजे तक सोए टीवी देखे और उठे ना 10 बजे तक उठे, हैं नहीं, ऐसे नहीं, जल्दी सो और जल्दी जागो, जा करके सवेरे सवेरे क्या करो, उठ करके जैसे हमारे माताएं पहले क्या करती थी, सवेरे सवेरे उठ करके नहा धो करके तिलक लगा करके ठाकुर जी की आरती उतारती थी, भगवद गीता रामायण पढ़ती थी, हरि नाम करती थी, भजन साधन करती थी। इसलिए नियम है सवेरे सूर्य उदय के बाद में जो सोते हैं ना, कहते उसको लक्ष्मी घर में नहीं रहती, घर कैसे लक्ष्मी चली जाती घर से, इसलिए पहले पहले माताएं क्या करती, सवेरे सवेरे उठ करके क्या करती थी,
है एकदम ठाकुर का सेवा पूजा आरती करते थे। इसलिए नियम है सूर्य उदय के बाद में नहीं सुनने चाहिए, सूर्य उदय से पहले जग जानी चाहिए। आप कितना पहले चार तरह का स्नान है, कितना तरह का? पहला है ऋषि स्नान, दूसरा है देव स्नान, उसके बाद में नर स्नान, फिर राक्षस स्नान। चार तरह का स्नान होता है। कहते ऋषि स्नान किसको कहते हैं? बोले ब्रह्म मुहूर्त समय में जो स्नान कर ले। ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं किसको? बोले सूर्य उदय होने से एक घंटा 36 मिनट पहले, इसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इसी समय जो स्नान कहते हैं ऋषि लोग उसी समय स्नान करते हैं। दूसरा स्नान है देव स्नान। देवता लोग कब स्नान करते हैं? सूर्य उदय होने से पहले नहा लेते हैं। कहते हैं नर स्नान किसको कहते हैं? शीघ्र सूर्य उदय में ही जो स्नान करते हैं वो नर स्नान। कहते राक्षस स्नान किसको कहते हैं? सूर्य उदय को बाद जो स्नान करते हैं उसको राक्षस स्नान कहते हैं। इसलिए नहीं, इसलिए हमको कम से कम तो नर स्नान कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे टाइम पर जो सवेरे सवेरे नहा लेते हैं ना, उसका शरीर से आधा बीमारी निकल जाती है। इसलिए सवेरे उठ करके भगवान का नाम कीर्तन गीता भागवत भजन करो, देखना सवेरे भजन करो ना, मन अपने आप भजन में लगता है। और जितने सूर्य उदय होने लग जाए अब देखना मन अपने आप चंचल, ये करना वो करना वो करना वो करना, सारे दिमाग में सारी चीज। इसलिए सवेरे सवेरे क्या करो, उठ करके नहा धो कर पूजा पाठ कर लेनी चाहिए। इसलिए तब यहाँ पर कहते हैं कि जो पहला अंगुल क्या है? हमारी चेष्टा है, बगैर चेष्टा से नहीं होगा। दूसरा अंगुल क्या? फिर भगवान की कृपा। इसलिए कृपा की चेष्टा तो हम करेंगे, लेकिन ये चेष्टा कैसे होनी चाहिए? शरणागत युक्त होकर। बोले ठाकुर जी जैसे मैया कोशिश कर रहे थे बांधने के लिए, लेकिन बांध नहीं पाई। इसी तरह हम साधन तो करेंगे, लेकिन साधन कैसे करेंगे? बोले ठाकुर जी हम तो साधन कर सकते हैं, लेकिन जब तक तुम्हारी कृपा नहीं होगी तब तक हमारा साधन में सिद्धि नहीं मिलेगी। आपकी कृपा से ही साधन में सिद्धि मिल सकती है। अगर ऐसे शरणागत बिल्ली और बंदर ये दोनों को अगर मिला दो ना, काम बन जाएगी। जैसे भैया ने आज कृष्ण को बांध करके रख ली, क्यों? उनने साधन भी की और ठाकुर के चरण में फिर शरणागत भी हो गई, बस दोनों काम बन गया तो ठाकुर जी बन गए। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की गौर ब्रह्मानंद। इसको बाद में फिर क्या होता है फिर कल सुनेंगे, ठीक है। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
जय श्री श्री गुरु।